नमस्कार दोस्तों, लर्न माउथ ऑर्गन सीरीज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। गणेश चतुर्थी का समय आ गया है और इस समय हम गणपति की आराधना करते हैं, और इसलिए मैं आपके लिए इस शुभ अवसर पर लेके आया हूँ गणेश स्तुति की धुन, गणेश आरती की धुन। बहुत ही पॉपुलर धुन है और हम सबको इस धुन से अच्छी तरह हम लोग परिचित हैं। और ये धुन जो है वो इस तरह से है कि जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बहुत ही सिंपल है इसको बजाना। सी मेजर स्केल पे सारे के सारे नोट्स मैंने लिए हैं, और यानी कि सारे के सारे शुद्ध स्वर इसमें लग रहे हैं। कहीं भी आपको क्रोमेटिक हारमोनिका का स्लाइडर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में आप इसे बजाना सीख जाएंगे, और अगर आपकी सोसाइटी में या कहीं भी कोई फंक्शन हो रहा है तो आप लोग उसमें इसको बजा भी सकते हैं और सबको पसंद आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो शुरू करते हैं इसको। जो मिडल ऑक्टेव का सा है वहाँ से शुरू करना है। पहले मैं आपको जस्ट बजा कर दिखा देता हूँ और फिर हम उसको नोटेशंस के सारे ब्रेक करके सीखते हैं। तो गाना कुछ या आरती इस तरह से बजेगी। उसके आगे से यह गाना है। और पहली लाइन जय गणेश, जय गणेश, सा सा रे रे घ ग ग ग, सा सा रे रे घ ग ग ग, जय गणेश देवा, ग ग म ग रे रे, ग ग म ग रे रे, सा सा रे रे घ ग ग ग, ग ग म ग रे रे। ऐसे उसके आगे माता जाकी पार्वती, नीनी नीनी सानी रे 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 रे, नीनी सानी। ये नी जो है सा के पहले यानी लोअर ऑक्टेव का शुद्ध नी बजेगा यहाँ पे। तो जहां से आप सा बजाते हैं उसके पहले चले जाइए और लेफ्ट साइड में नी नी सा नी। रे 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 पिता महादेवा, गगा रे रे सा सा। ग रे रे सा सा पिता महादेवा। उसके आगे आगे अंतरा इसका जो बजता है वो इस तरह से एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, इस तरह से बजेगा ये। सा सा ग म प प प प, सा सा ग म प प प प, पा 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 मा ग, सा सा ग म पा 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 मा ग। पा 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 मा ग, माथे पर तिलक सोहे,
मूसकी सवारी सागमा पपा पपा सागमा पपा पपा माथे पर तिलक सोहे सागमा पप सागमा पपा पपा मूसकी सवारी पा 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 माग उसके आगे पान चढ़े फूल चढ़े सा सा रे रे ग ग ग ग ग ग ग ग सा सा रे रे ग ग ग ग पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े सा सा रे रे ग ग ग ग और चढ़े मेवा ग ग म ग रे रे ग ग म ग रे रे लड्डुअन का भोग लगे नीनी सानी रे 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 संत करे सेवा ग ग रे रे सा सा नीनी सानी रे 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 ग ग रे रे सा सा। इसी तरह से गाना कंप्लीट हो जाएगा और यही बार बार यही स्टैंजा रिपीट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा कि सारे के सारे शुद्ध स्वरों के सहारे गाना बज रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता है। आपको लोअर ऑक्टेव का सिर्फ कोमल नी यानी कि सा के पहले वाला खींच के बजता है नी, आपको पता है। तो उस तरह से आप चलिए और ये मतलब मिडल ऑक्टेव के नीचे का सिर्फ नी लग रहा है और आगे पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ प तक ये के स्वर ले रहे हैं, बस इतने के बीच में आपकी ये सारा का सारा धुन बज सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुश्किल से आप कुछ ही देर में इस गाने को, क्योंकि ये गाना सबके दिलो दिमाग पे बसा भी हुआ है तो आपको इसकी धुन अच्छी तरह से पता है, सिर्फ आपको उसकी लय के साथ अपना माउथ ऑर्गन बजाना है। तो कोशिश कीजिए, आप बहुत जल्दी बजा पाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाएगी। और चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।